Hello students, my name is Amit Sharma. I am assistant professor in RPIT Karnal. Today we will discuss about anti-parasitic drugs. So, सबसे पहले हम पढ़ेंगे amoebiasis. Amoebiasis क्या होता है? Amoebiasis में amoebic dysentery होती है. Means एक तो diarrhea होता है जो simple diarrhea है. लेकिन amoebiasis में क्या होगा? Blood diarrhea. उसको हम amoebic dysentery कहते हैं. And इसमें जो main causative agent है वो है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका. जो अमीबियसिस है इसमें सिस्ट बनते हैं और जो जो सिस्ट है जो कि इन्फेक्शन कोज करता है उसको हम कहते हैं ट्रोपोजोइट्स. जो पहले जो है अमीबियसिस के लिए मेनली दो ड्रग्स यूज की जाती थी, ईपीकेकुआना एंड 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलीन. बट अब इनका यूज नहीं करते. क्यों? क्योंकि ईपीकेकुआना में एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इमिटिन जो कि वोमिटिंग कोज कराता है. सो इस रीजन से अब ये यूज़ नहीं होती. और 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलीन जो है उसका एडवर्स इफेक्ट है आई डिफेक्ट. ये क्या करती है? ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है. अब हम पढ़ेंगे एंटी अमोबिक ड्रग्स के बारे में. सो मेनली एंटी अमोबिक ड्रग्स तीन पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं. फर्स्ट इज एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल एंड बोथ इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल. एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल का मतलब है कि जो टिश्यू अमोइबोसाइटल है, मतलब जैसे ये हमारी इंटेस्टाइन की वॉल है और ये ल्यूमन है. जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल है वो टिश्यू पर काम करेगी, लाइनिंग पर, यहाँ पर जो सिस्ट प्रेजेंट होगा वहाँ पर एक्ट करेगी. इसमें हमारी एक ड्रग आती है क्लोरोक्वीन. एंड इंटेस्टाइनल वो होती है जो इंटेस्टाइनल ल्यूमन में काम करेगी. जैसे ये इंटेस्टाइन की वॉल है और ये ल्यूमन है, तो जो ल्यूमन पे एक्ट करेंगी वो इंटेस्टाइनल ल्यूमन एंटी अमोइबोसाइटल या अमोबिक ड्रग्स होती हैं. इसमें हमारी मेनली निटाजोक्साइड, निटाजोक्सामाइड, डिलोक्सामाइड, क्विनिडोक्लोर एंड पैरामोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन. जो पैरामोमाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन है, दीज आर दी एंटीबायोटिक्स. एंड आफ्टर दैट दी जो ऐसी ड्रग्स जो बोथ इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल पार्ट पर एक्ट करेंगे, इसमें हमारी मेनली नाइट्रोइमिडाजोल और एल्कोलॉइड ड्रग्स होती हैं. नाइट्रोइमिडाजोल जो है जिसमें मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, सेक्निडाजोल और सेट्रानिडाजोल और ओरनिडाजोल. जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है नाइट्रोइमिडाजोल, जो नाइट्रोइमिडाजोल्स होते हैं इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है. वो नाइट्रो ग्रुप जो है वो बायो एक्टिवेटेड कर देता है. और बायो एक्टिवेशन करने से क्या होगा, जो पैरासाइट का डीएनए है वो डैमेज हो जाता है. सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोइमिडाजोल्स. अब मेट्रोनिडाजोल एक ऐसी ड्रग है, एक ऐसी प्रोटोटाइप ड्रग है जो मोस्टली यूज की जाती है. और इसको यूजेस के याद करने की ट्रिक है अनुज गुप्ता. अनुज गुप्ता से आप याद रख सकते हो कि जैसे ए से एक्यूट नेक्रोसिस अल्सर जिंजिवाइटिस, तो अनुज से हो गया एक्यूट नेक्रोसिस अल्सर जिंजिवाइटिस में यूज होती है. और गुप्ता जी से जियाडियासिस अल्सर, पी से स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस या क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल एंड ट्राइकोमोनियासिस एंड अमोबियासिस. तो इसमें जो है ये मेट्रोनिडाजोल यूज कर सकते हैं. ये छोटी सी ट्रिक थी कि हम कैसे मेट्रोनिडाजोल के यूजेस को याद कर सकते हैं. जैसे कि अनुज एक लड़के का नाम हो गया और वो गुप्ता जी हैं, ठीक है. इसे आप इसके यूजेस को लर्न कर सकते हैं. और जो इमिटिन है, जो हमने पढ़ा था कि ईपीकेकुआना के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इमिटिन, इमिटिन को अगर लो डोज में देंगे तो वो एक्सपेक्टोरेंट का काम करेगी. और अगर हाई डोज में करेंगे या देंगे इसको एडमिनिस्टर्ड करेंगे तो वो वोमिटिंग कोज कराएगी. और एक हमने पढ़ा था पैरामोमाइसिन. पैरामोमाइसिन क्या है? क्लास एक क्लास अमीनोग्लाइकोसाइडिक क्लास की एक ड्रग है. ये यूज़ की जाती है कालाजार और क्रिप्टो इन्फेक्शन डायरिया. पैरासाइटिक एक डिसऑर्डर है, इसकी वजह से डायरिया होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द अमोबियासिस एंड एंटी अमोबिक ड्रग. थैंक यू स्टूडेंट्स. ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें.